तो फ्रेंड्स आ जाइए, हम ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से पीडीएफ फाइल के ऊपर राइट कर सके या टाइप कर सके। तो इसलिए हमको पहला एक पीडीएफ फाइल की ज़रूरत होगी और पीडीएफ फाइल खोलने की एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। पीडीएफ फाइल का एप्लीकेशन जो है वो है एडोबी एक्रोबैट रीडर, दैट इज़ एडोबी एक्रोबैट रीडर। इसे डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाइए और सर्च कर दीजिए एडोबी एक्रोबैट रीडर, जैसे कि इस गूगल सर्च में लिखा हुआ है एडोबी एक्रोबैट रीडर। इसको एंटर सर्च करने के लिए, सर्च करने के बाद पहला बॉक्स सर्च रिजल्ट आया है एडोबी एक्रोबैट रीडर get.adobe.com/reader। इसको क्लिक करने के बाद आप इस पीडीएफ फाइल खोलने के एप्लीकेशन के लिंक पे आ जाए, पेज पे आ जाएंगे। अभी इस पेज पे हम देखेंगे कि साथ साथ में दो और ऑप्शनल सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन उसको निकाल दीजिए। अगर आपके मोबाइल, अगर आपके कंप्यूटर पे एंटीवायरस है तो उसके लिए एडिशनल प्रोग्राम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऑप्शनल ऑफर को अनसेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है इंस्टॉल नाउ। तो ये है Adobe Acrobat Reader जिससे PDF फाइल खुल सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर में जब प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो आप उस PDF फाइल पे जाइए जिसके ऊपर आपको टाइप करना है, लिखना है। तो उस फाइल को क्लिक करके इस प्रोग्राम पे ऊपर खोलिए। तो उस खोलने के बाद हमको उस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जो कि मैंने PDF फाइल एप्लीकेशन खोल रखा है। अभी ये फाइल है इस प्रोग्राम में, जैसे भी आप देख रहे हैं बॉक्सेस। अभी इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए, इस पर टाइप करना है आपको। तो कैसे टाइप करेंगे? जब भी आप डायरेक्टली कुछ होल्ड करेंगे तो शायद नहीं खुलेगा। पहले उसके लिए आपको राइट साइड पे जो मेनू दिख रहा है उस पर आना होगा। अभी राइट साइड के मेनू में पहले वापस होम पे आ जाइए। अभी सोचिए आपको कोई फाइल खोलना है, तो आप पहला फाइल खुलेगा इस तरह। तो अभी राइट साइड में ये मेनू आपको दिख रहा है, इसमें टूल्स का मेनू है। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे माउस पॉइंट है फिल एंड साइन, उसको क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद मी लिख लीजिए, मून इज टू फिल एंड साइन फर्स्ट, उसमें मी को क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये फाइल खुला हुआ है। अभी आपको जहाँ भी कुछ टाइप करना है वहाँ पर डबल टैप कर दीजिए अपने कंप्यूटर पर, या डबल क्लिक। तो मैंने डबल क्लिक यहाँ पर किया जहाँ पर माउस पॉइंटर ए भी लिखा हुआ है, मैंने डबल क्लिक किया तो उस पर एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स के ऊपर लिखा एक ऑप्शन आ जाए, एक टाइप करने का बॉक्स आ जाएगा, उसकी आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ हु आर यू, तो ये पीडीएफ फाइल के ऊपर टाइप भी हो गया। अभी बस इस फाइल को सेव कैसे करना है, इसे प्रोग्राम के लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल को ऊपर जाइए, सेव एस कर दीजिए, वो फाइल सेव हो जाएगी। तो पीडीएफ फाइल पर जो मैंने लिखा है वो फाइल सेव हो जाएगी। अभी फोल्डर को सिलेक्ट करना है कहाँ पर सेव करना है। मैंने डाउनलोड्स फोल्डर सेलेक्ट कर दिया और वापस कंफर्मेशन के लिए सेव करने के लिए बॉक्स आ गया डाउनलोड्स का। मैंने सेव बटन दबाया और फाइल सेव हो गई। अभी वो सेव फाइल के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था वो सेव हो गया है। तो इस तरह से इजीली हमने देखा कि पीडीएफ फाइल पे कैसे टाइप करके उसको कंप्यूटर पे उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं, टाइप करके कंप्यूटर पे सेव भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ट्यूटोरियल। अगर आपको इस तरह की ट्यूटोरियल्स काम आ सकती हो, कृपया चैनल से कनेक्ट हो जाइए बाय सब्सक्राइबिंग। हरे कृष्ण।